अभी पकड़ लिया है, जो बच्चा पकड़ने वाला है उसे पकड़ लिया। कहाँ है, कौन है? घूम रही है जी। अरे अभी जाओ। ये दे दे वाले जी, क्या नहीं घूम रही है? को पकड़ के चादरों में लपेट रहा था इसने। मैं भागता आया उनके सामने। कहाँ का रहने वाला है? उपी गांव रामपुर का। नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं हूँ सफर हुसैन और आप देख रहे हैं एसआर हुसैन नॉलेज। हजरात, अभी अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें जिस आदमी को मारा जा रहा है वो कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि आजकल जो अफवाह फैली हुई है, जो हमारा बराबर सुनते हैं कि हर गली मोहल्ले से बच्चे चोरी किए जा रहे हैं, जी हजरात, ये वही आदमी है कि वो बच्चा चोरी करने आया था और लोगों की नज़र उस पर पड़ गई, फिर लोगों ने उसे पकड़ लिया। हजरात, पहले आप इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद मैं बताता हूँ कि वीडियो कहाँ की है और वो किस तरह से बच्चे को चोरी कर रहा था। तो देखें हजरात पूरी वीडियो। अभी पकड़ लिया है, जो बच्चा पकड़ने वाला है उसे पकड़ लिया। कहाँ है, कौन है? घूम रही है जी। अरे मार लो। अभी जाओ। अभी जो क्या दिक्कत है? तो हमारे अफसार भाई ने पकड़ लिया है एक भैया, ये है पूरे इंतजाम से घूम रहे हैं। दूसरा कौन है अफसार भाई? दूसरा कौन है? कहाँ क्या करने आया? पीलीभीत में तेरा कौन है? कोई रिश्तेदार है तेरा? कहाँ पे? अरे हिमाचल में काम करता है। कहाँ पे था ये? अरे अपनी गली से निकले हैं। रामपुर रहते राम। सब पूछ लोगे सवाल? पूछे लो। सब तेरे और साथी कहाँ? और तेरे साथ में अकेला है? अकेला हूँ सर। अकेला है? क्या करने आया था यहाँ? क्या करने आया था? अरे यहाँ पे क्या करने आया था? तुझे मोहल्ले गलियों में घूमने आया? पानी पीने के लिए आ गया। मोहल्ले गलियों में घूमने आया? नहीं। यहाँ का एड्रेस भी तुमने बताया था आने का? कहाँ से आया, किधर से आया था? कम्बल डाल देता। ये दे वाले जी, क्या नहीं घूम रही है? हाथ मारेंगे तो ये बता रही हूँ। छोड़ दूँ? चादरों में लपेट रहा था इसने। मैं भागता हूँ आया उनके सामने। कहाँ का रहने वाला है? उपी गांव रामपुर का। रामपुर का? रामपुर हाँ। ये हट जाओ भैया, हट जाओ, हट जाओ। आईडी दिखाओ। आईडी नाम है मेरा सर। अच्छा, तब गया मैं गली भूल गया। क्या कर रहा था ना वो? अरे भैरव, अरे चलो चलो। कहाँ का रहने वाला है तू? मुंबई का हूँ। रामपुर? रामपुर का। रामपुर बिजनौर? हाँ हाँ। नाम है? हरिओम नाम है। हरिओम नाम है रामपुर के। घर के पास हमको का बता रहा है रहने वाला है। हिमाचल में साथ में उठिए। फिर यार जी बताओ यार, अभी बात करेंगे अपना। बात क्या करो, दो लगा अभी। मैंने तो बचाया है, मारना किसी के लिए बड़ी बाद में तुझे दे दूंगा। अरे कभी कुछ कर लिया बदल में पकड़ लिया, इरशाद ने देख लिया। कम्बल डाल देता बच्चे को।
न्यूज चैनल है सर मेरा, तो ये ले गए अभी पकड़ के, आईडी ने मार दिया सर का। तो क्यों परेशान हो रही हो? बाकी लोगों ने पकड़ लिया था, बाकी उसे पुलिस वालों ने भेज दिया। जैसा कि आपने देखा, पुलिस वालों के हवाले कर दिया है। आपको पता कहां से आया था, किसने पकड़ा, क्या हुआ? ये मालूम ही नहीं चल पाया, काफी देर से उसको देख रहे थे, उसकी नजर को उसको देख रहे थे कि जा किधर रहे यार। पहले एक गली इधर गया, एक गली का मतलब गली भी बंद है, फिर आया इधर, इस गली बंद है। तो जब गली में पहुंचा तो बच्चे का हाथ पकड़ रहा था, एक दूसरे शख्स ने देखा कि अजी क्या, तो उसके पीछे भागा, वो मोटरसाइकिल छोड़ के भागा वो उसके पीछे। तब उसको बुलाया मेंबर साहब, पूर्व मेंबर साहब हमारे अफसर भाई, जो है उधर से भागते हुआ रहा था, उन्हें शक हुआ इसके ऊपर, मैंने इसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इसे पूछा, मुझे बता नहीं पा रहा था, और पीछे से पब्लिक भीड़ आ गई कि मेरे बच्चे को इन्होंने अभी पकड़ा, चादर में बंद कर रहे थे। तो वो चादर उधर सब है उसके पास, वो रिकॉर्ड हो चुका है। हाँ, तो वो मैंने सब यहाँ पकड़ के, जब भीड़ लग गई तो जब पुलिस को दे दिया। अच्छा, बाकी देखेंगे कोई साथ में गया है कोई बड़ा, कभी बता रहा वो रामपुर से, कभी कुछ बता रहा वो रामपुर से। तो देखा जरा था आपने, ये वीडियो पीलीभीत की है, पीलीभीत के खास शहर की है। ये आदमी वहाँ पर बच्चा चुराने की नीयत से ही आया था, जब लोगों की नज़रें इस पर पड़ी तो लोगों ने इसे पकड़ लिया, और इस समय इस आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब पुलिस के साथ सख्त सख्त कार्रवाई करेगी। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप लोग भी दुआ करें कि ऐसे लोग जल्द से जल्द पकड़े जाएं, और इन लोगों के साथ भी बहुत बुरा हो, क्योंकि ये लोग बच्चों के साथ जिस तरह कर रहे हैं, अगर आप वीडियो देख लें वो, कि वो किस तरह से बच्चों के अंदर से सीना फाड़ करके उनके लीवर और या फिर दिल या फिर जो भी किडनी वगैरह है, इतनी बुरी तरीके से निकाल रहे हैं कि अगर आप वीडियो देख लें आपका दिल थर्रा जाए, आपका दिल कांपने लगे, और यकीन आप खून के आंसू रोने लगेंगे। इतनी इस कदर ये बेरहमी से लोग बच्चों को काटते मारते हैं। तो रात आप तमाम हजार से गुजारिश है कि आप सब लोग मिलकर दुआ करें कि जल्द जल्द इन लोगों का सफाया हो और इन लोगों को सख्त से सजा मिले। अल्लाह तबारक तआला इन सभी मुजरिमों को जो ये काम कर रहे हैं, घिनौना काम, इन लोगों को सख्त से सख्त अजाब में गिरफ्त फरमाएं, इन लोगों को नेस्त नाबूद अता फरमाएं। हजरात आप अपने बच्चों की सुरक्षा कीजिए, अपने बच्चों का ध्यान दीजिए, और उनको बाहर ना निकलने दीजिए बिल्कुल भी, और कहीं बाहर जा भी रहे हैं तो उनको बराबर देखते रहिए, क्योंकि आज या कल आपके बच्चे के साथ भी ऐसा हो सकता है। अल्लाह ना करें कि किसी बच्चे के साथ ऐसा हो। तो आप तमाम गुजारिश है कि आप अपने तमाम बच्चों को सुरक्षित रखें, अपने घर में रखें, समझा बुझा कर रखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, ताकि ऐसी घटना किसी आपके रिश्तेदार के घर पर भी ना हो सके। तो आज रात आप तमाम हजरात से मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। तो आज रात मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।